किसान संघर्ष समिति ने मकरेड़ा तालाब को सूखने से बचाने की गुहार करते हुए मंगलवार को उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह को एक ज्ञापन दिया। एसडीएम सिंह को दिए गए ज्ञापन में संघर्ष समिति पदाधिकारियों ने नगर परिषद प्रशासन की ओर से श्री सीमेंट कंपनी को नरसिंहपुरा एसटीपी से शोधित पानी देने की एमयू को निरस्त करने की मांग की है। ज्ञापन ने बताया गया कि नगर परिषद प्रशासन ने श्री सीमेंट कंपनी को विजयनगर रोड स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा नरसिंहपुरा स्थित एसटीपी से शोधित पानी देने के लिए पानी देने का एमओयू किया है। ज्ञापन ने बताया गया कि उक्त एमओयू के चलते कंपनी को पानी दिए जाने का असर मकरेड़ा तालाब पर पड़ेगा। मकरेड़ा तालाब का जल स्तर कम होने के असर आसपास के किसानों पर पड़ेगा। ज्ञापन में किसान संघ पदाधिकारियों ने मकरेड़ा तालाब के जल स्तर तथा किसानों के जीवन यापन पर पड़ने वाले असर को देखते हुए नगर परिषद के एमओयू को निरस्त करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में सेवानिवृत्त कैप्टन शिवराज कैसरी मलजार, सरमालिया सरपंच जनता देवी, जशोदा देवी, ब्यावरखा सरपंच, हरचंद चौधरी, रामकिशोर चौहान, दशरथ चौधरी, राजेंद्र गहलोत, दिनेश छाबा, प्रमोद चौहान, बाबूलाल गहलोत, गोवर्धन सिंह तथा भवनलाल चौधरी सहित अन्य शामिल थे। आज किसान संघर्ष समिति ब्यावर की तरफ से मकरेड़ा तालाब के आसपास के कुओं का जल स्तर को सूखने से बचाने के लिए मकरेड़ा तालाब में जाने वाली मकरेड़ा तालाब में आने वाली नियमित पानी की आवक जो श्री ब्यावर नगर परिषद के पानी से होती है और उसका एमयू नगर परिषद ब्यावर ने 2 MU करके पानी बेचने का जो MU दे रखा है उसको निरस्त कराने बाबत, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि नगर परिषद ने 2 MU किए हैं। विजयनगर बस स्टैंड से अंधेरी देवरी को प्लांट को 1.5 MLD पानी देने का और नरसिंहपुरा से 4 MLD पानी देने का रास को, जो रास के रास जो कि पाली डिस्ट्रिक्ट में आता है उसका जो MOU हुआ उसको निरस्त कराया जाए। अभी जो हमने वर्तमान में जो राजस्थान संपर्क पोर्टल पे हमें मालूम हुआ है कि इन्होंने सिर्फ 2 MLD पानी ही दे रहे हैं। वो कैसे दे रहे हैं 2 MLD पानी? इन्होंने 29 सितंबर को श्री सीमेंट के प्रथम प्लांट अंधेरी देवरी को देना शुरू कर दिया था और उसकी आय इनको 6 लाख प्रति माह से शुरू हो गई थी और ये उससे ज़्यादा भी बेचना चाह रहे हैं, जिससे कि ये इसकी आमदनी 27 लाख तक करना चाह रहे हैं, जो कि गलत है। वो किसानों के साथ धोखाबाजी होगी।